इजरायली सेना अपना बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमास की कमर लगभग टूट चुकी है। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच पोलियो टीकाकरण अभियान के लिए इजरायल हमास युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे, लेकिन पोलियो टीकाकरण अभियान से ठीक पहले इजरायल ने मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में भीषण बमबारी कर 48 फिलिस्तीनी मार गिराए। टीकाकरण शुरू होने से पहले ही इजरायल ने जिस तरह के हमले किए हैं उससे इस अभियान के सफल होने को लेकर शंका पैदा हो गई है। दरअसल इजरायल और हमास के लड़ाकों के बीच गाजा में पिछले एक साल से चल रहा युद्ध 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। हमास और इजरायल के बीच ये समझौता बच्चों को लेकर हुआ है। इजरायल ने खुद से हमास पर हमले करने रोक दिए हैं। 10 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। पोलियो अभियान के तहत 3 दिन तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाएगी और इस अवधि तक गाजा में कोई हमला नहीं होगा। गाजा में कुछ बच्चों को शनिवार को वैक्सीन की खुराक दी गई, जो कि इजरायल और संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर रोल आउट किया गया। WHO ने बताया कि इजरायल ने 3 दिनों के लिए सीज फायर पर सहमति जताई है। इससे पहले शुक्रवार को इजरायल ने गाजा में दवाइयां ले जा रहे वाहनों के काफिले पर हमला किया था। एक अन्य घटनाक्रम में वेस्ट बैंक के जनिन इलाके में शनिवार को यहूदी बस्तियों के नजदीक इजरायली सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ये फिलिस्तीनी उग्रवादी 2 अलग-अलग स्थानों पर यहूदी बस्तियों पर हमले के लिए आए थे। उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में दोनों मारे गए।